सेठ ताराचंद के किस्से की मैं आप सभी के सामने सुनाना चाहती हूँ। और बात उस समय की प्रेमी सजनों कि जब वो चंद्रगुप्त उस धर्म मालती से शादी कर लेता है, लेकिन मन के अंदर ये भाव आ गए और ख्याल आ गया मन के अंदर कि भाई तू तो खुद दूसरों के यहाँ पर गिरवी रखा हुआ है, अगर तू इस धर्म मालती को लेकर के अपने साथ में जाएगा तो सेठ और सेठानी तुझे ही ताना मारेंगे कि हमारे घर में तो वैसे ही तू खुद गिरवी रखा हुआ है, अपनी पत्नी को और अपने साथ में ले आया है। तो जैसे ही धर्म मालती की आंख लग जाती है तो धर्म मालती को अकेला छोड़ करके चला जाता है, लेकिन मन पे पत्थर रख लिया। और जैसे ही सुबह उस धर्म मालती की आंख खुली तो चारों तरफ देखने लगती है और पागल से अपने पियाजी को ढूंढने लगती है कि कहां गए मेरे पिया, कहां गए पियाजी, लेकिन नजर नहीं आते। किस तरीके से भगवा बाणा धार लेती है और टूम ठेकड़ी एक पोटली के अंदर बांध लेती है, सारे श्रृंगार को उतार देती है, बाबा जी का भेष बना लिया और एक जहाज के अंदर बैठ जाती है, जो कि जहाज दिल्ली की तरफ रवाना हो रहा था। उस जहाज के अंदर बहुत सारे सेठ और सेठानी बैठे हुए थे। किस तरीके से रागनी का हवाला आप सभी के सामने, बहुत प्रसिद्ध रागनी है, सुनेगा रागनी में कवि ने क्या बताया, क्या लिखा। साथ से ठानी बातें आई दिल्ली में, और फिर डोबती मिले ननंद का, और भाई दिल्ली में दूंगा, लेकिन ये क्या हुआ, तुम तो दो दिन भी मेरा साथ निभा नहीं सकते और मुझे छोड़ करके चले गए। अरे एक बार तो सोचा होता कि अकेली वीर की जात कैसे तेरे बिना काटेगी, कैसे कैसे ऐसे ऐसे रंडवा बैठे रहेंगे, कहां तक मैं अपना गात बचाऊंगी, पहली कली में के कहते सुनेगा।
कौन यारी हो रे, ओ तेरे बिना कौन यारी हो रे। आसमाई दिल्ली में सब अपने मतलब के लोग लुगाई दिल्ली में के मतलब जी, अगर ये मजाक कर रहे हो तो बहुत हो लिया मजाक, वापिस आ जाइए दूसरी कली में के बताती है सुनिए। देते हैं उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारी माताएं बहनें सुन तो बहुत गौर से रही हैं, रागनी समझ में तो आ रही है आप सभी के, भाव समझ में आ रहे हैं, एक पत्नी पति के लिए कितनी बेचैन है। तीसरी गली में सुनिएगा, जो रागनी सुन रही है उनके जरूर समझ में आ रही हो, क्योंकि इस रागनी के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ अपने दिल के बयां करती है, क्या भाव बताती है सुनिएगा तीसरी गली में। Oh,
तेरे पीछे पीछे आ लूंगी, क्योंकि मैं असली पतिव्रता हूँ, तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। चौथी कली में दादा लक्ष्मी चंद ने के तोड़ किया, सुनेगा कभी। जोरदार ताली, जोरदार।